वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 और जिसमें हम फाइंड करेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स। इससे पहले का जो एक्सरसाइज 8.1 में टॉपिक था वो भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का था, जिसमें हमने समझा था कि एरिया अंडर द कर्व या एरिया बाउंडेड बाय एक कर्व एंड ए लाइन, एक कर्व और एक लाइन के बीच का एरिया या एक कर्व के अंडर का एरिया, ठीक है। तो वो सारा हमने एक्सरसाइज 8.1 के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस में किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, जो कि मैं आपको बता चुकी थी कि भाई पैराबोला, एलिप्स, सर्कल और इन सब के बीच का जो एरिया कवर होगा वो आपने फाइंड करना है। तो एक तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि देखिए, सपोज कर लीजिए कि एक कर्व है एफ एक्स और दूसरा कर्व है जी एक्स, और एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है, बड़ा इन द सेंस कि वो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। जिन लिमिट्स में हमने एरिया निकालना है वहाँ एफ एक्स ज़्यादा जगह घेर रहा है, समझ रहे मेरी बात को भाई, ये एफ एक्स है, समझे मेरी बात को, ये तो एफ एक्स है और भाई हमने ए से बी के बीच का एरिया निकालना है। तो ये ए से हमने एक स्ट्राइप खींची, बी से स्ट्राइप खींची और ये देखिए बेटा एफ एक्स के नीचे सारी स्ट्राइप्स खींची मैंने, तो ये तो एरिया हो गया अंडर कर्व एफ एक्स। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? अब हमने ले लिया दूसरा कर्व जी एक्स, देखिए ये जी एक्स की फिगर है, ये जी एक्स की फिगर है। अब इसी लिमिट में एरिया अंडर जी एक्स जब हम लेते हैं, सपोज दोनों यहाँ ए पर ही कट कर रहे हैं, जो दोनों कट कर रहे हैं वो ए है और बी, आप ये लीजिए बी, ये वाला पॉइंट अगर आप लेते हैं बी, तो जी एक्स के नीचे का एरिया कौन सा है, ठीक है भाई। जी एक्स के नीचे का एरिया, मैं थोड़ी सी स्ट्राइप वर्टिकल नहीं ले रही हूँ अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये तो भाई जी एक्स कर्व है अपना येलो, ठीक है, और ये इसके नीचे का एरिया है सारा, तो जी एक्स का एरिया तो लेस देन एफ एक्स है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। एफ एक्स, एफ एक्स के नीचे का एरिया, ये भाई जी एक्स, ये जी एक्स के नीचे का एरिया, और हमने निकालना है एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स, यानी एफ एक्स और जी एक्स के बीच में जो आ रहा है, तो बीच में तो ये आ रहा है ना, तो ये है हमारा रिक्वायर्ड एरिया। तो भाई ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा एफ एक्स के, ये एफ एक्स है, एफ एक्स के कंप्लीट एरिया में से जब जी एक्स का एरिया हटा देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा एरिया बिटवीन एफ एक्स एंड जी एक्स होगा। तो अगर मैं इसको मेंशन करूं एरिया बिटवीन एफ एक्स एंड जी एक्स, तो वो क्या बनेगा, ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, क्लियर भाई। एफ एक्स में से जी एक्स वाला एरिया माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट दिस एरिया। तो ये चीज़ आपने समझनी है। एक इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज कर लीजिए कि ये एफ एक्स है और भाई ये जी एक्स है, थोड़ा डार्क कर देती हूँ मैं एक कर्व को, ये जो डार्क है थोड़ा सा बेटा, ये तो आपका जी एक्स है और जो थोड़ा लाइट है बेटा वो आपका एफ एक्स है, क्लियर। और ये दोनों कर्व एक दूसरे को जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ए है, बी है और सी है। अब हमने इन दोनों के बीच का टोटल एरिया निकालना है, तो इन दोनों के बीच का एरिया दूर से ही दिख रहा है भाई, ये वाला है और ये वाला है, क्लियर। यानी ये एरिया निकाल लो, ये वाला निकाल लो और दोनों को जोड़ दो। लेकिन अब ध्यान देंगे कि ए से बी तक तो ऊपर जो कर्व है वो एफ एक्स है और नीचे जो कर्व है वो जी एक्स है, तो टोटल एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान देंगे, ए से बी तक एफ एक्स ऊपर है यानी एफ एक्स बड़ा है, यानी एफ एक्स ने ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है, तो ये तो बन गया एफ एक्स और माइनस जी एक्स, क्लियर, डी एक्स हो गया। और जब हम यहाँ आते हैं इस
एरिया में, तो ये देखिए जी ऊपर है बी से सी के बीच में, जी ऊपर है, एफ नीचे है, यहाँ जी बड़ा हो गया है, एफ छोटा, ये साइन और कॉस के कर्व की तरह है ये कुछ। तो यहाँ पर जब हम B से C के बीच का एरिया निकालेंगे तो हम GX को ऊपर रखेंगे और FX को नीचे रखेंगे एंड देन वी विल इंटीग्रेट, तो हमें ये टोटल एरिया मिल जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है कि आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको सबसे पहले तो ये निकालना है कि इन कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हैं। वो आपको गिवन नहीं होंगे स्टेटमेंट में कि दोनों कर्व एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, किन किन पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं, ओके। और फिर आपने एनालाइज करना है कि किस में से, किस कर्व में से कौन सा कर्व घटाएं कि जो इन बिटवीन एरिया है वो हमारा आ जाए, क्लियर। तो अब हम जैसे जैसे एग्जांपल्स करेंगे हमें वो प्रोसेस क्लियर होता चला जाएगा। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है कि भाई किस तरह से आपने करना है, और यहाँ जनरली आपको पैराबोला है, एलिप्स है, और भाई सर्कल है, और स्ट्रेट लाइन भी आएगी, स्ट्रेट लाइन भी आएगी। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने 11th में की थी और अभी मैं आपको बता भी दूंगी कि हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले भाई हम करते हैं एग्जांपल नंबर 6, ये है एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द एरिया बिटवीन, ये बिटवीन के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर दिया मैंने, टू पैराबोलास वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, क्लियर। ये दोनों पैराबोला है और दोनों के बीच का एरिया हमने निकालना है। डायग्राम बनते ही क्वेश्चन एक ही मिनट का है, सबसे पहले तो हम डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं, हमारा भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, लिखने में भी हमें आसानी होगी। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये भाई आपका सॉल्यूशन हो गया। आप कैसे लिखेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको फुल मेथड से बता रही हूँ। गिवन पैराबोलाज आर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, a नाम दे दीजिए इसे, और y स्क्वेयर इज इक्वल टू x, इसे आप नाम दे दीजिए कर्व नंबर b, क्लियर। क्यों, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करेंगे तब हमें उनकी बार बार जरूरत पड़ेगी। अब ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्केयर है, x का स्केयर है तो y के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी ये अपवर्डेड पैराबोला है जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, क्लियर। तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू एक्स स्केयर इज अपवर्डेड पैराबोला, ठीक है, विद वर्टेक्स 0, 0, विद वर्टेक्स 0, 0, ओके। एंड वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स, वाई का स्केयर है तो एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये वाला बन जाएगा राइट हैंडेड पैराबोला। इसे मैं डिफरेंट कलर से भी ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये तो है y स्केयर इज इक्वल टू x और ये है y इज इक्वल टू x स्केयर, बल्कि इसको मैं वाइट कलर से ही लिखती हूँ सो दैट आपको समझ रहे इस चीज़ की, क्लियर। तो इसके बारे में भी लिखेंगे ऑल्सो y स्केयर इज इक्वल टू x इज राइट वर्डेड या राइट हैंडेड भी आप लिख सकते हैं पैराबोला विद वर्टेक्स 0, 0, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, दोनों पैराबोला ड्रॉ कर लें, इनके बीच का सबको दिखाई दे रहा है, इनके बीच का एरिया बहुत इजीली दिखाई दे रहा है हमें, इनके बीच का एरिया ये है, इनके बीच का एरिया जो हमने फाइंड करना है। लेकिन कैसे करना है, हमने तो अपनी वही वर्टिकल स्ट्राइप्स वाला फंडा याद रखना है। तो ये एरिया यहाँ से तो शुरू हो रहा है 0 से और यहाँ जा रहा है, देखिए बेटा मैं आपको दोनों कलर से आपको ड्रॉ करके मैं बताती हूँ कि ये देखिए ये जो ऊपर वाला पैराबोला है इसका जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का
वो ये है, यहाँ से अगर मैं स्ट्राइप डालूंगी, पट्टियाँ डालूंगी वर्टिकल, तो वो ऐसे डलेंगी, समझ गए मेरी बात को? तो ये सारा रेड एरिया अपर पैराबोला का है, और ये अपना जो नीचे वाला पैराबोला है, इसके नीचे जो आ रहा है ये इस पैराबोला का एरिया है व्हाइट वाले का, समझ रहे मेरी बात को? रेड वाले पैराबोला का एरिया फुल्ली रेड है, व्हाइट वाले पैराबोला का एरिया व्हाइट है, और जो दोनों के बीच आ रहा है वो एरिया ये है, ठीक है? तो यहाँ अब सिंपल सी बात है कि इतने बड़े में से अगर हम ये हिस्सा हटा दें, देखिए मैंने हाथ रख के ढक लिया मतलब हटा दिया मैंने, तो क्या बचता है? यही तो बचता है ना। तो अगर इस रेड पैराबोला में से, रेड का मतलब कौन सा है? ये बी, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ये चीज हमने पकड़नी है कि ये रेड पैराबोला है और इसको हमने क्या नाम दिया है? पैराबोला नंबर बी। और ये जो व्हाइट वाला है, इस पैराबोला को हमने क्या नाम दिया है? ए। तो अब किस में से किसको घटाना है, यही ट्रिक है पहली। तो भाई ऊपर रेड है और रेड वाले का नाम है बी, तो बी के टोटल एरिया में से ए का टोटल एरिया माइनस करेंगे तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स हो जाएगा। भाई बी बड़ा था, बी ने बड़ा का मतलब हम साइज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, बड़े के कॉन्सेप्ट को समझिए कि इस ए से बी के बीच में जहाँ हमने अपना एरिया निकालना है, उस जगह उस एरिया में ये बी कर्व ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, ए कम कवर कर रहा है, तो बी के एरिया में से जब हम ए का एरिया माइनस करेंगे तो वी विल गेट रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन कर्व्स, क्लियर? दूसरी बात, अब ये एरिया यहाँ जीरो पे तो शुरू होता है, लेकिन ये पॉइंट क्या है भाई हमारा, कहाँ तक जाएगा? तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू पैराबोलाज। तो ये निकालना भी बहुत जरूरी है कि ये दोनों पैराबोला किस किस पॉइंट पर, दोनों पैराबोला हैं या सर्कल हैं या एलिप्स हैं, तो उनके आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेंगे? एक कर्व की इक्वेशन को लीजिए और उसको दूसरे में पुट कर दीजिए, तो कोई क्यूबिक, कोई क्वाड्रेटिक, यानी द्विघात त्रिघात समीकरण आपका बनेगा, उसको सॉल्व करके आपको x या y की वैल्यू मिलेंगी, उन वैल्यूज़ को दूसरे में पुट करेंगे तो y की या x की फिर वैल्यूज आएंगी। तो अब हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, तो ये आप इसको नाम भी दे दीजिए O, देखिए बीच में नाम देना बहुत ज़रूरी है, A, B, C, O, A, B, C, O, ये है हमारा रिक्वायर्ड एरिया। तो अब हम पहले लिखते हैं यहाँ पॉइंट ऑफ, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी है आपका, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि हमने तो क्या करना है, इंटीग्रेटी तो करना है और वो हम पूरे 7th चैप्टर में कर चुके हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व ए एंड बी के लिए क्या करें? ए में वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, उसको यहाँ रख दो, ठीक है? तो पुट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन बी, ओके y की जगह यहाँ x स्केयर, तो y का स्केयर था और y की वैल्यू है x स्केयर, तो स्केयर का स्केयर, x स्केयर का स्केयर इज इक्वल टू आ गया x। अब इसे ध्यान से सॉल्व करेंगे, x की पावर 4 इज इक्वल टू x, मैंने बोला था x से x नहीं काटना है क्योंकि एवरी वैल्यू विल गिव अस एनी वैल्यू फॉर x, जो x है वो हमें कोई ना कोई वैल्यू जरूर देगा। तो ये हो गया बेटा x पावर 4 माइनस x इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे हमें x की चार वैल्यूज मिलेंगी, दो रियल होंगी दो इमेजनरी होंगी, इमेजनरी हम छोड़ देंगे, तो या तो x 0 है या x क्यूब माइनस 1 0 है, या तो x 0 है या x क्यूब माइनस 1 0 है। अब मैं इसके बारे में बता दूं कि यहाँ से बेसिकली हमें x की तीन वैल्यू मिलती हैं, एक वैल्यू 1 होती है, एक वैल्यू ओमेगा होती है, एक वैल्यू ओमेगा स्केयर होती है जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में 5th में आ जाती हैं, बट वो दो वैल्यू इमेजनरी होती हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, और रियल वैल्यू तो केवल 1 होती है जिसका क्यूब 1 होता है, तो एक्स 1 आ गया और दूसरी वैल्यू एक्स की क्या आ गई? 0 आ गई।
तो पैराबोला दोनों एक दूसरे को, जब x जीरो है तो काट रहे हैं और जब x वन है तो काट रहे हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, आप ये एरिया इस तरफ भी निकाल सकते थे, फिर आपको y की लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो अब y की वैल्यू यहाँ निकालें तो निकाल लीजिए कि x की वैल्यू को a में पुट कर दीजिए, पुट इन ए। तो जब x जीरो है तो y क्या है, जीरो का स्क्वायर यानी जीरो, तो y भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो पॉइंट हमें मिला वो जीरो जीरो मिला, जिस पर पैराबोला ऑलरेडी कट कर रहे हैं। और जब x की वैल्यू वन है, जब x की वैल्यू वन है तो इस वैल्यू को जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका y हो जाएगा वन का स्क्वायर यानी कि वन। तो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, वन कोमा वन, यानी ये पॉइंट भी यहाँ क्या है, वन। क्लियर, यहाँ तक आपको कोई डाउट? सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ की, फिर हमने एनालाइज किया कि हमने कौन सा एरिया फाइंड करना है, किस में से किसको घटाना है, ये हमने एनालाइज किया। आप अपना डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दो कलर भी यूज़ कर सकते हैं, रेड और ब्लू पेन भी यूज़ कर सकते हैं, आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक एरिया को, एक कर्व को डार्क कर दीजिए, एक को लाइट कर दीजिए। फिर हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब हमारा सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हमने बी कर्व के एरिया में से हमने ए कर्व का एरिया निकालना है। इस तरफ हम एक्स के साथ ले रहे हैं लिमिट तो हमारा आ जाएगा, अगर हम वाई के साथ लेंगे तो ये कर्व बड़ा है, फिर ए में से भी निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं, तो आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये सारा आप नोट कर लीजिएगा। नाउ आई विल गिव यू द एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो हम लिखेंगे नाउ एरिया बिटवीन टू पैराबोलास, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एरिया का नाम ओ ए बी सी ओ। क्लियर, ओ ए बी सी ओ, और वो अब हमें पता है कैसे निकलेगा, अपर कर्व, अपर भी लिख देते हैं लेकिन ये बहुत बढ़िया रहेगा कि अगर आप उसको बी से डिनोट कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, जीरो से वन तक इंटीग्रेशन वाई ऑफ बी कर्व, इकट्ठा कर दीजिए डी एक्स या अलग अलग कर दीजिए, माइनस जीरो से वन तक वाई ऑफ ए कर्व डी एक्स, यानी बी कर्व के इक्वेशन में से जो y की वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ रखनी है, और a कर्व की इक्वेशन में से जो y की वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ रखनी है। तो दोनों कर्व मेरे पास है, वहाँ मैं मिटा चुकी हूँ, रब कर दिया है मैंने। तो b है y square is equal to x, y square है ना, तो y क्या आ जाएगा, रूट एक्स। तो b कर्व में तो y आ जाएगा रूट एक्स डी एक्स, और a कर्व में y की वैल्यू क्या है भाई, एक्स स्केयर डी एक्स बिटवीन जीरो टू वन। ओके, दोनों को अगर आप एक ही ब्रैकेट में करते हैं तो वो और भी बढ़िया रहता है, हमारा काम इजी हो जाता है इंटीग्रेट करने का। तो हम इन दोनों को एक में ही कर लेते हैं, x इज टू पावर वन बाई टू माइनस एक्स स्केयर डी एक्स, तो ये बन जाएगा x इज टू पावर थ्री बाई टू, थ्री बाई टू को उल्टा करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा ना टू बाई थ्री, और भाई माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री बिटवीन द लिमिट्स जीरो एंड वन। ये जो थ्री है डिनोमिनेटर में, क्यों ना इसको बाहर ले लें, इसको अब हम बाहर ले लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया है, वन बाय थ्री, और ये बन गया टू एक्स इज टू पावर थ्री बाय टू माइनस एक्स क्यूब बिटवीन द लिमिट्स जीरो टू वन। अब आप लिमिट पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो गया बेटा वन बाय थ्री टू, वन की पावर थ्री बाय टू वन, वन की पावर क्यूब वन, और माइनस जीरो रखेंगे तो जीरो, टू में से वन माइनस गया वन, और वन को वन बाय थ्री से करेंगे तो वन बाय थ्री स्केयर यूनिट्स। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कोशिश की कि मैं कंप्लीट मेथड से आपको करा सकूं ताकि आपको स्टेटमेंट लिखने में करने में आसान। Now we proceed to the next example. बस आपको मेन लॉजिक समझना है कि हम एरिया निकाल कैसे रहे हैं, इंटीग्रेशन कैसे यूज हो रहा है। जब मैंने सेवेंथ चैप्टर में डेफिनेट इंटीग्रल कराया था तब भी मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन कैसे यूज होता है, इंटीग्रेशन इज यूज टू फाइंड एरिया अंडर एनी कर्व, ठीक है ना भाई।
अंडर का मतलब अगर एक्स के साथ लिमिट ले रहे हैं तो उस कर्व से एक्स तक हम लाइन खींच देते हैं, और वाई के साथ ले रहे हैं तो उस कर्व से वाई तक लाइन खींच देते हैं। एक और एग्जांपल अब हम डिस्कस करेंगे, फाइंड द एरिया, एग्जांपल नंबर 7। अब इसे मैं डिटेल में नहीं कराऊंगी, मैं आपको इसका डायग्राम दूंगी, लिमिट्स दूंगी और इंटीग्रेशन दूंगी। फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस से ऊपर एंड इंक्लूडेड बिटवीन सर्कल। अब सर्कल की इक्वेशन देखिए आप क्या दे रखी है, ये अब जनरल फॉर्म आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड पैराबोला आपको दे दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द एरिया अबव एक्स एक्सिस। तीनों बातें आपने ध्यान रखनी है। अब हम सर्कल की बात करते हैं, सर्कल देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। मैं सर्कल की एक फॉर्म अब आपको और बताने जा रही हूँ। सर्कल की एक फॉर्म ये थी भाई, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें हमारा जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थे वो एच कोमा के होते थे, यहाँ माइनस होना चाहिए, अगर प्लस है तो आप साइन चेंज कर दीजिएगा, और ये के, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स तो सेंटर को रिप्रेजेंट करते थे, और रेडियस की जो हमारी लेंथ होती थी वो कितनी होती थी, आर होती थी। ये फॉर्म भी अपनी 11th क्लास में है, कॉनिक सेक्शन में। तो अब हम यहाँ पर, ये भाई 0 0 तो है नहीं, अगर इधर 8 होता तो अपना जो 2√2 है वो रेडियस आ जाता। तो अब आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, 8x को लेफ्ट में ले आइए, माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वेयर यूज़ करेंगे जो कि 10th क्लास में आ जाता है। अगर ये कोफिशेंट 1 है एक्स स्क्वेयर का, तो हम क्या करते हैं, एक्स का कोफिशेंट का हाफ ऑफ कोफिशेंट ऑफ एक्स का हम स्क्वेयर यूज़ करते हैं। ये मेथड मैंने अपने YouTube चैनल पर 10th क्लास में 4th चैप्टर में करवा भी रखा है, अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो आप वहाँ से मेरे चैनल से चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 देख सकते हैं, वहाँ मैंने ये कंप्लीटिंग द स्क्वेयर का मेथड बताया हुआ है। तो ये बन जाएगा भाई 8/2 का स्क्वेयर, तो 8/2 कितना बन गया, 4 का स्क्वेयर 16 यहाँ डाल दो और 16 उधर डाल दो, डाल दो का मतलब ऐड कर दो, ठीक है। तो 16 यहाँ ऐड कर देंगे, 16 इसमें एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 16 को मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। ये जो टर्म है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 ए भी आप अप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस वाई 4 का होल स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर है तो वाई को मैं लिख सकती हूँ वाई माइनस 0 का होल स्क्वेयर और ये बन गया 4 का होल स्क्वेयर। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद व्हाट एक्स माइनस फोर स्क्वेयर एक्स माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, तो एच 4 है, के 0 है, आर 4 है, एच 4 है, के 0 है और आर 4 है। तो क्या कंक्लूजन निकलता है कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर 4 0 है, इट मीन्स, अब आप इसे नाम दे दीजिए नंबर ए, क्लियर। तो ए इज अ सर्कल, ये सारा प्रोसेस हमने ये समझने में किया है कि ये कर्व जो है, सर्कल जो है, इसका सेंटर और रेडियस कहाँ है, बिना सेंटर और रेडियस के हम सर्कल ड्रॉ कहाँ करेंगे। तो ए इज अ सर्कल विद सेंटर क्या है भाई, 4 0 एंड रेडियस क्या आ गया 4। जब तक हमें यही नहीं पता होगा सेंटर कहाँ है, रेडियस कहाँ है, तो हम कैसे कर्व ड्रॉ करेंगे। तो अब हम कर्व ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये अपना कार्टेशियन सिस्टम हो गया, 1 2 3 4 5 4 क्यों ले रही हूँ मैं, ये एक्स एक्सिस पर 4 है, इसका कोऑर्डिनेट है 4 0, तो 4 0 पर हमने कंपास रखना है और 4 ही रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो 5 6 7 8, तो ये कहाँ से जाएगा अपना सर्कल, ये यहाँ सेंटर होगा और
ये आपका जो सर्कल है वो यहाँ एट से होता हुआ ऐसे जाएगा, क्लियर। ये आपका सर्कल ड्रॉ हो गया जिसका सेंटर 40 था और रेडियस 4, तो 4 इधर और 4 इधर, क्लियर हो गया सर्कल ड्रॉ। अगर हमें सेंटर ही नहीं पता होगा तो हम सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल विद सेंटर 40 एंड रेडियस 4, तो कर्व नंबर ए हो गया। अब लीजिए, नाउ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसे हम क्या नाम देंगे, कर्व नंबर बी। ये क्या है इसके बारे में अब आप लिख लीजिएगा, इट इज अ राइट वर्डेड पैराबोला। तो ये राइट वर्डेड पैराबोला है, और अब ये पैराबोला ड्रॉ करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये पैराबोला इसे अंदर से काटता हुआ जा रहा है या बाहर से। तो पहले हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं ड्रॉ करने से पहले। तो पॉइंट ऑफ, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कर्व को ऐसे ही नहीं ड्रॉ कर देना, अभी एक बार ड्रॉ कर दिया फिर वो गलत हो जाए, फिर उसी में आप हौच पोच करके गलत काम, भाई गंदा संदा काम आप कराएंगे तो एग्जाम में आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बड़े आपने अच्छे तरीके से सब चीज़ों को पहले समझ के पेन पेंसिल को बाद में हाथ में उठाना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व ए एंड कर्व बी, क्या बताया था मैंने कि दोनों कर्व को फोकस कीजिए और एक कर्व में से वैल्यू को दूसरे में। अब यहाँ देखिए बिल्कुल साफ साफ वाई स्केयर की वैल्यू 4x है, तो इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, वाई स्केयर की जगह 4x रख दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 4x इज इक्वल टू 8x। इधर ले आइए, 8x माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 और 4 आएगी, यानी दोनों x 0 है और x 4 है, x 4 है, क्लियर, x 4 है, लेकिन y क्या है। तो अब इन दोनों वैल्यूज को अब हम b में पुट करेंगे, तो मैं ऊपर से थोड़ा इसको रब कर देती हूँ, सर्कल की इक्वेशन में इधर लिख देती हूँ ताकि हमें क्वेश्चन करते टाइम प्रॉब्लम ना हो। तो दिस इज कर्व नंबर ए एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बेटा, तो दिस इज कर्व नंबर बी, नेमिंग हमने जो इनको दे दी है। तो अभी हमें वाई भी चाहिए, वाई भी चाहिए, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर रखेंगे हम, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 0, यानी y क्या आ जाएगा 0, तो एक पॉइंट तो हो गया 0 0, यानी कि पूरा पैराबोला यहाँ से पास कर रहा है। ऐसा भी हो सकता था कि जब x 0 है तो y 1 है, तो यहाँ कट कर रहा होता तो ऐसे, तो इसीलिए फुल कोऑर्डिनेट फाइंड करना जरूरी है। और व्हेन x क्या है भाई, सेकंड 4, व्हेन x इज इक्वल टू 4 तो y स्क्वायर क्या बनेगा, 4 इंटू 4 यानी 16, तो y की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 4। तो कोऑर्डिनेट जब x 4 है तो y 4 है, और जब x 4 है तो y माइनस 4 है। अब ये चीज़ हमने देखनी है, तो यहाँ पर भी आप 1 2 3 4 और 1 2 3 4 माइनस 4। अब x 4 और y 4, यहाँ अब ये थोड़ा सा हमें सर्कल भी देखकर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप चाहें तो फुल डायग्राम साफ साफ भी अपना ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से पैराबोला जाएगा। और ये देखिए x 4 है, तो मैं माइनस 4 को यहाँ नीचे ले लेती हूँ भाई, थोड़ा सा क्यों ले लेती हूँ, क्योंकि हमारा पैराबोला यहाँ से जाएगा, तो ये बनेगा अपना पैराबोला भाई, ये बनेगा पैराबोला। अब मैं इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन कर दूं पहले आपको डायग्राम को, ताकि आपको समझ आ जाए। दोनों कर्व को मैं अलग अलग कलर से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो बेटा ये तो हो गया, अब आपको समझ आया कि मैंने बीच में पैराबोला क्यों नहीं ड्रॉ किया, ऐसे रफली ड्रॉ नहीं कर देना है। अब इनमें सेकेंड एक्सरसाइज में एरिया बिटवीन टू कर्व में आपने रफली ड्रॉ नहीं करना है। तो ये तो हो गया पैराबोला और ये हो गया सर्कल। अब इन दोनों के बीच का जो एरिया है, और अब हम देखेंगे कि जो एरिया हमने फाइंड करना है, अब हम
उस एरिया को डार्क करेंगे जो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो एरिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट एक्स, दिस कर्व एंड अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से अबव, एक्स एक्सिस से अबव, और ये पैराबोला और ये सर्कल के बीच में। देखिए पैराबोला और सर्कल के बीच में एरिया ये भी है और ये सारा भी है, ये पूरा एरिया भी इन दोनों से देखो बंद हो रहा है, देखो बंद हो रहा है ना इन दोनों के बीच में, लेकिन हमने लेना है अबव एक्स एक्सिस। तो अबव एक्स एक्सिस तो भाई ये एरिया बंद हो रहा है, तो ये है हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो हमने फाइंड करना है। और ये एरिया अब अगर आप ध्यान से देखो तो माइनस करके नहीं आ रहा, बल्कि ये देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि जीरो से चार तक का जो एरिया है जिसे मैंने ऐसे रेड कर दिया है वो तो पैराबोला के नीचे है, समझ रहे हैं भाई। पैराबोला से एक्स एक्सिस तक हम डायरेक्ट पट्टियां स्ट्राइप्स खींच सकते हैं, तो जीरो से चार तक का एरिया पैराबोला के नीचे है, और यहाँ से फिर हम सर्कल के नीचे स्ट्राइप्स खींच सकते हैं, तो चार से आठ तक का एरिया अपना सर्कल के नीचे है। तो अब आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि रिक्वायर्ड शेडेड एरिया, जो भी डिटेल मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखवाई थी वहीं से आप लिखेंगे, तो वो क्या है। अब उस एरिया का नाम लिख लीजिए, या तो कि ओ ए बी सी यहाँ ले लीजिए एरिया ओ ए बी सी, और यहाँ नाम ले लीजिए डी, और यहाँ नाम ले लीजिए ई, जितना अच्छे से आप लिखेंगे वो बढ़िया होगा। तो वो क्या है, वो है एरिया ओ ए डी ई बी सी ओ, क्लियर। तो वो बन गया ओ ए डी ई बी सी ओ, और ये एरिया दो का सम है, तो वो सेपरेट कर दीजिए आप। और मैं थोड़ा इधर से करती हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो वो हो गया एरिया फर्स्ट रेड वाला ओ ए बी सी ओ, ध्यान देंगे ओ ए बी सी ओ, और प्लस बेटा सेकंड एरिया का क्या नाम है ए डी ई बी ए, तो ये हो गया ए डी ई बी ए, क्लियर। दोनों को निकाल दीजिए, ये जीरो से चार तक अंडर पैराबोला है, पैराबोला का नाम क्या है बी है, तो आप लिख दीजिए जीरो से चार तक वाई फ्रॉम कर्व बी डी एक्स, और भाई चार से कहाँ तक आठ तक, चार से आठ तक हमारा वाई फ्रॉम कर्व ए डी एक्स, ओके। अब मैं ना इसको इंटीग्रेट करने से, चलो एक बार पहले मैं लिख देती हूँ, करने से पहले मैं चाह रही थी उसको सॉल्व करें, तो जीरो टू फोर बी, बी से जो y की वैल्यू आएगी वो इसका अंडर रूट आएगा, तो चार का अंडर रूट दो और x का एज इट इज डी एक्स, और चार से आठ तक ये देखिए यहां से y की वैल्यू आएगी एट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स। इसे मैं यहां करने की बजाय हम एक बार सेपरेट कर लेते हैं ऊपर वहां पर स्क्वेयर कंप्लीट के मेथड से, ये देखिए बेटा 8x माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, ओके। तो इसमें मैंने क्या किया, इसी ब्रैकेट के अंदर मैंने 16 ऐड कर दिया और 16 माइनस कर दिया, प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वेयर कहाँ से आ गया ये 16, अभी तो हमने ये देखा था कंप्लीटिंग द स्क्वेयर से कि 8 का हाफ 4, 4 का स्क्वेयर 16 ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ ध्यान देंगे 16 तो अलग ले लिया और इन तीनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये बन गया भाई एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 16 का अंडर रूट, और ये बन गया 16 तो बन गया भाई 4 का स्क्वेयर, और ये बन गया एक्स माइनस 4 का होल स्क्वेयर, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो इस टर्म को मैं डायरेक्ट उस फॉर्म में अब यहाँ लिख रही हूँ, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, 0 टू 4 एक्स की पावर 1 बाई 2 बन गई, प्लस 4 टू 8 ध्यान देंगे 4 स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वेयर अंडर रूट डी। और अब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन करूँगी, सब्स्टिट्यूशन आपने यहाँ करके दिखाना है, उस स्टेप को आप यहाँ ऐड कर दीजिएगा अलग से कि फर्स्ट वी डिस्कस दिस, इसको ऐसे स्टार लगा के यहाँ ऐड कर दीजिए फिर इसमें बदल दीजिएगा। अब मैं यहाँ पुट कर रही हूँ एक्स माइनस 4 को, क्योंकि इधर करूँगी मैं इंटीग्रेशन, चाह रही थी इधर हो जाए अपनी, तो एक्स माइनस 4 को मैंने टी रखा, तो डी एक्स क्या बन गया भाई डी टी। जब एक्स 4 है तो 4 में से 4 0, और एक्स 8 है तो 8 में से 4 गया 4, तो लिमिट 0 से 4 आ जाएगी, तो 2 टाइम्स 0 टू 4
एक्स की पावर 1 बाय 2 डी एक्स, और ये लिमिट भी क्या बन गई 0 टू 4 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट डी टी। और आई थिंक इससे आगे अब आप इसको इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर सकते हैं भाई, ये तो 2 बन जाएगा x की पावर 3 बाय 2, और 3 बाय 2 डिनोमिनेटर में आएगा जो कि उल्टा होकर रिवर्स होकर यहाँ 2 बाय 3 बनेगा, तो x की लिमिट तो आ जाएगी 0 से 4 तक। और इसकी आइडेंटिटी मैं अब लिख देती हूँ, x बाय 2, x नहीं है यहाँ t है, तो ये बनेगा t बाय 2 और अंदर की टर्म एज इट इज प्लस ए स्केयर बाय 2 यानी 16 बाय 2 और भाई साइन इनवर्स t बाय 4 बिटवीन द लिमिट्स 0 टू 4। और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा लिमिट पुट करने के बाद, तो दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स एंड अबव एक्स एक्सिस। तो अभी मैं आपको आज के वीडियो लेक्चर में बस यही दो एग्जांपल कराऊंगी और इनसे रेलिवेंट आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 शायद आपसे ना हो क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं दे रखा है इसके अंदर, फिर भी आप ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 7 आई थिंक आप कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज़ शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।